पहला पॉइंट जो आप सेल्फ डिटर्मिनेशन से पहले सीखेंगे वो ये है कि हनी भी एक सोशल इंसेक्ट है। सोशल इंसेक्ट वो होते हैं जो अपना एक पूरा का पूरा कुनबा अपने साथ लेकर के चलते हैं, जिनमें मेल फीमेल और ग्रुप बनाकर रहते हैं। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में तीन तरीके की मधुमक्खियां रहती हैं। एक आपको मालूम है इसमें रानी मक्खी है, इसे बोलते हैं क्वीन, ठीक है। एक इसमें वर्कर है, और तीसरे प्रकार के इनमें है मेल, जिन्हें हम लोग ड्रोन भी बोलते हैं। एक और बात आपको याद रखना पड़ेगा, क्वीन जो है यहां पर उसका सेक्स है फीमेल, ये फीमेल है। वर्कर भी बेटा फीमेल है, और ड्रोन जो है मेल है, और आपको मालूम है ये मेल हैप्लॉइड है। वर्कर हो या क्वीन हो, दोनों के दोनों डिप्लॉइड है। ये भी 2N है और ये भी 2N है, ये इनकी प्लॉइडी आपको आनी चाहिए। तो अभी तक आपने सेक्स डिटर्मिनेशन में एक्स क्रोमोसोम का रोल देखा और वाई क्रोमोसोम का रोल देखा। हनी बी में एक्स और वाई क्रोमोसोम का रोल नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन में। हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन में एक्स और वाई का रोल नहीं है, बल्कि एक पॉइंट जिसे आपको याद रखना है, अगर कोई भी बंदा डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है तो वो फीमेल ही होगा। डिप्लॉइड इज ऑलवेज फीमेल। और अगर कोई भी इनमें से हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड इज ऑलवेज मेल। तो आप लोग ये रूल समझ के रखिए। अब पुराना याद करते हैं, ग्रास हॉपर में एक्स क्रोमोसोम था, ये डिसाइड करता था कि कौन मेल होगा कौन फीमेल, याद है। एक्स एक्स क्या था, फीमेल, और एक्स वो क्या था, वहां वाई क्रोमोसोम नहीं था। ड्रोसोफिल आया, वहां पर एक्स वाई, ह्यूमन आए एक्स वाई, पक्का। तो भाई कुछ लोग हुए एक्स ओ, कुछ लोग हुए एक्स वाई। हनी भी एकदम ही अलग है, उसे एक्स क्रोमोसोम से मतलब नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन में, कि नहीं हमें एक्स होगा तो फीमेल होगा या एक्स एक्स होगा तो फीमेल होगा, ऐसा नहीं। हनी बी के केस में अगर आप डिप्लॉइड हैं तो आप फीमेल हैं, वेदर यू आर क्वीन और यू आर वर्कर। तो मतलब फीमेल कितने प्रकार की, दो, एक कौन क्वीन और एक वर्कर। और अगर आप हैप्लॉइड हैं तो मेल। और इस तरीके के सेक्स डिटर्मिनेशन को बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। It is not exotype, not XY type. It is haplodiploid type of sex determination or haplodiploid sex determination. तो जो भी diploid है या तो वो female है, और जो भी haploid है वो male है। One more thing, एक और thing है जो मैं बोल रहा हूँ, मे बी हर तरीके की हनी बीज में ना लागू हो, लेकिन ये बाकी ज्यादातर species ऑफ हनी बी में लागू होती है। इनमें जो क्वीन है इट इज फर्टाइल, यानी कि ये रिप्रोडक्शन करती है। इसमें मेल भी है फर्टाइल, यानी ये भी रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन जो वर्कर है, ऑलवेज मैं नहीं लिख रहा हूं, ऑलवेज लिखने में मैं डर जाता हूं, बहुत सारी बातें गलत हो जाती। वर्कर आर जनरली स्टराइल, ऑलवेज और जनरली स्टराइल। अब बताओ कौन है जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, वर्कर ऑलवेज की जनरली जनरली।
ले रहे हो अलग बात है, जनरली ये हिस्सा नहीं लेते। और बताइए, यहां पर मेल रिप्रोडक्शन करेगा, फीमेल रिप्रोडक्शन करेगी, लेकिन दोनों फीमेल की एक कौन सी? क्वीन। और इसलिए पूरी कॉलोनी, ध्यान से सुनो, पूरी कॉलोनी में जितने भी इंडिविजुअल हैं उनको पैदा करने में एक बंदे का रोल है, बोलो कौन? क्वीन। और इसीलिए पूरी कॉलोनी में क्वीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए ड्रोन वर्कर सब मिलकर के किसकी रक्षा करते हैं? क्वीन। क्वीन सबकी मदर है, चाहे वो वर्कर हो चाहे वो मेल हो। तो यानी पूरे के पूरी सोसाइटी में पूरा का पूरा जो बेटा तुम्हारे हनी बी का पोटा पूरा पूरा छत्ता है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? क्वीन। और कैसे इंपॉर्टेंट है इसको मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं। तो अभी फिलहाल इतना बताओ, क्या एक सोशल इंसेक्ट है? कितने प्रकार के इंडिविजुअल? तीन। तीन है ना? हाँ, तीन में से एक कौन? क्वीन। एक कौन? वर्कर। एक कौन? मेन ड्रोन। याद है? और बताओ, क्वीन और वर्कर हैप्लॉयड के डिप्लॉयड, और वर्क मैडम मेल इज हैप्लॉयड। कैसे बने वो मैं बता दूंगा। बताइए, क्वीन जनरली फर्टाइल, जनरली नहीं ऑलवेज फर्टाइल रिप्रोडक्शन। वर्कर जनरली स्टराइल, और मेल इज हैप्लॉयड, हैप्लॉयड एंड फर्टाइल। तो बताओ रिप्रोडक्शन में कौन हिस्सा ले रहा? क्वीन और मेल। तो बताओ पूरी छत्ते में जितने भी इंडिविजुअल हैं उनको पैदा करने में किसका रोल? क्वीन का। यू गॉट इट? आई देखते हैं कैसे होता है, क्या करते हैं। तो जो फीमेल है, क्वीन है ये फीमेल, इसके पास डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है और उनका नंबर है 16 पेयर। और ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, 32 क्रोमोसोम। 16 पेयर का मतलब 32 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो 32 क्रोमोसोम वाली फीमेल मियोसिस करके गैमीट बनाती है, और जब वो मियोसिस करके गैमीट बनाती है तो दो गैमीट बनते हैं, दोनों गैमीट हैप्लॉइड होंगे। चार बनेंगे तब भी वो दोनों हैप्लॉइड ही होंगे, यानी 16 क्रोमोसोम का एक बेटा गैमीट बनेगा, दूसरे 16 क्रोमोसोम का दूसरा गैमीट बनेगा। तो बताइए माइटोसिस हुई कि मियोसिस? ठीक ऐसा ही है हमारे पास मेल। मेल चूंकि हैप्लॉइड है और इसलिए हम जानते हैं यहां पेयर क्रोमोसोम नहीं है, 16 क्रोमोसोम है, पेयर की अनपेयर अनपेयर, और इसीलिए मेल गैमीट बनाते वक्त माइटोसिस करेगा, मियोसिस की माइटोसिस। तो पहले ये बैरियर तोड़िए कि गैमीट बनाते वक्त हमेशा मियोसिस होती है, ये बात हमेशा सही? कुछ लोग गैमीट बनाने में मियोसिस करते हैं और कुछ लोग माइटोसिस। मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ और बेटा माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम। तो मेल जिनके पास 16 क्रोमोसोम है उन्होंने 16 क्रोमोसोम का गैमीट बनाया। अब आपका टाइम है गैमीट का नाम लिखने का। बताइए फीमेल के गैमीट का नाम है स्पर्म के ओवा। तो बताओ ओवा मिले जिनमें 16 क्रोमोसोम है और स्पर्म भी मिले जिनमें किसने क्रोमोसोम है? 16। अब देखिएगा ये कैसे आपस में फ्यूज होते हैं। ओवा और स्पर्म अगर फ्यूज हो जाए, ओवा और स्पर्म अगर फ्यूज हो जाए तो बनेगा जायगोट, और जायगोट बनते ही यहां पर 2n कंडीशन आ जाएगी, और 2n कंडीशन आ गई तो ये 2n कंडीशन बनाएगी एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो बनते ही बेटा यहां पर इंडिविजुअल बनेगा। मैं डन हूं कि ये डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है तो मेल की फीमेल, फीमेल फीमेल बन गए। तो फीमेल बनने के लिए फर्टिलाइजेशन जरूरी है, और भाई साहब मैं जो पूछ रहा हूं बताइएगा, फर्टिलाइजेशन होना ये गारंटी है कि ये रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है कि बायपेरेंटल? यानी ये बायपेरेंटल होना ये किस बात की गारंटी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? ये सेक्सुअल सेक्सुअल, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा तो इसमें एक लोग इन्वॉल्व की दो लोग, एक कौन? फीमेल और एक कौन? मेल। तो फीमेल और मेल अगर दोनों किसी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है तो उससे पैदा होने वाला हमेशा मेल होगा कि फीमेल होगा? फीमेल। नहीं आया? फिर से सुनो, फीमेल और मेल अगर दोनों इन्वॉल्व होकर के बच्चा पैदा कर रहे हैं इसका मतलब वो बच्चा हमेशा फीमेल होगा। लेकिन दूसरे प्रकार के गैमीट भी फीमेल के पास है, ये भी ओवा ही है और ये बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बना रहे,
और बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन रहा है और ये एम्ब्रियो आगे चल के ऑर्गेनिज्म बना रहा है। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को मैंने बहुत पहले आपको पढ़ा दिया था, व्हाट इट इज नोन एज इसको मैंने आपको पढ़ाया था पार्थिनोजेनेसिस। बताइए व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फीमेल गैमेट, मेल गैमेट की फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट से बनने वाला प्रोसेस का नाम पार्थिनोजेनेसिस, यानी यूनिपेरेंटल की बायपेरेंटल। हां यूनिपेरेंटल, अगर यूनिपेरेंटल है तो टाइप ऑफ सेक्सुअल के एसेक्सुअल, और ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसका नाम है पार्थिनोजेनेसिस, और जिससे ऑर्गेनिज्म बनेगा हमेशा मेल की फीमेल। अब चलो इस नजरिए से देखते हैं, मेल बनाने में फीमेल इन्वॉल्व है, फीमेल बनाने में भी फीमेल इन्वॉल्व है, यस और नो? लेकिन मेल बनाने में मेल इन्वॉल्व नहीं है, मेल को पैदा करने में मेल इन्वॉल्व नहीं है। फिर से सुनो, फीमेल को पैदा करने में फीमेल इन्वॉल्व है, मेल इन्वॉल्व है, यस और नो? मेल को पैदा करने में फीमेल इन्वॉल्व है, यस और नो? लेकिन इस मेल को पैदा करने में मेल इन्वॉल्व, तो हर मेल बच्चे की मम्मा तो होंगी, पापा नहीं नहीं है, हर मेल बच्चे की हर मेल बच्चे की मम्मा तो है, पापा नहीं। व्हाट इट मींस? क्योंकि वो किससे पैदा हुई है? पार्थिनोजेनेसिस से। तो हर मेल को पैदा करने में फीमेल का इन्वॉल्वमेंट है, और फीमेल को पैदा करने में फीमेल का इन्वॉल्वमेंट है, यस। लेकिन फीमेल को पैदा करने में किसका इन्वॉल्व है? मेल का, इनका है। तो याद रखना, मेल को पैदा करने में फीमेल का इन्वॉल्व तो है, मेल का इन्वॉल्व नहीं है। तो हर पैदा होते हुए मेल बच्चे की क्या है? माँ, पापा नहीं है। याद रहेगा? नहीं यार, आ गया? अगर इतनी बात आ गई तो मैं आगे की कहानी पढ़ा दूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं, वो मैं सिखा दूंगा। बताइए, जितने भी फर्टिलाइज एग होंगे कैसे वो क्या पैदा करेंगे, और जितने भी अनफर्टिलाइज एग होंगे, पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है, याद रहेगी? व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यस और नो? इट इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। तो मेल पैदा करना फर्टिलाइजेशन से हुआ कि पार्थिनोजेनेसिस? और पार्थिनोजेनेसिस से होने पर एक लोग इन्वॉल्व कि दो लोग? एक लोग, यूनिपेरेंटल की बात कर रहे हैं, इसलिए इनकी बच्चों की लड़के लड़कों के पापा होंगे कि नहीं होंगे? नाना होंगे, वो तो मैं सिखाऊंगा ही तुम्हें, और वो तुम कहीं ना कहीं से सीख के आए हो, तभी तुम बोल रहे हो ऐसा। मैं एनसीईआरटी की लाइन सिखा रहा हूँ, तुमको आता है तुम अच्छी बात है, तुम अपना शांत रहो, बाकी जिनको नहीं आता उनको भी आ जाएगा। एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है कि दे हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन बट नॉट द फादर एंड सन। वो बात की कहानी है, पहले इतना दे तुम, हटा दे इसे, हटा दिया। बताओ, इस तरीके के सेक्स डिटरमिनेशन का नाम है एक्सो की एक्स वाई, एक्सो की एक्स वाई, ए सांद्र, इस टाइप के सेक्स डिटरमिनेशन का नाम एक्सो की एक्स वाई, एक्सो। क्या कर रहे हो भैया 15 मिनट से, कहां हो? अरे ये एक्सो नहीं, एक्स वाई है, एक्स वाई भी नहीं है। अच्छा, पापा भी हैं इसलिए एक्स वाई है। इस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन का नाम बताओ क्या? इट इज नॉट एक्सो, इट इज नॉट एक्स वाई, इट इज हैप्लो डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। नहीं, हर पार्थिनोजेनेसिस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं पार्थिनोजेनेसिस 3 प्रकार की पढ़ाऊंगा, एम्फीटोपी टोकी, अरिनोटोकी, थैलीटोकी। तो अभी वो पार्थिनोजेनेसिस के टाइप पढ़ना आपकी किस्मत में नहीं है। बैठो, इन्होंने कहाँ से क्वेश्चन बनाया जानते हो? इन्होंने कभी पार्थिनोजेनेसिस पढ़ा है? पार्थिनोजेनेसिस के 3-4 एग्जाम्पल हैं, सम लेजार्ड, रोटीवर, हनी बी और टर्की। तो तुमने टर्की क्यों नहीं पूछा? बात वही नहीं है, बिकॉज पार्थिनोजेनेसिस आर ऑफ मेनी टाइप, 3 टाइप, थैलीटोकी,
हरिनो टोकी, एम्फी टोकी, अभी टोकी का इट्स अ गुड क्वेश्चन बट आई विल डिस्कस सेपरेटली, सो फिलहाल तो नहीं। हाँ भाई बैठो, क्या फर्क पड़ता है, बैठे हैं, पैसा दिया है तो बैठे हैं, कोई रोक नहीं सकता चाहे आए चाहे ना। एक्स ओ की एक्स वाई, ना तो एक्स ओ ना तो एक्स वाई, फिर कौन सा हेप्लो डिप्लॉय। अरे अपराजिता जी अचानक कैसे रास्ता भूल गई, कहाँ रहे बेटा, तबीयत खराब थी, तबीयत से कह दो खराब मत होना है कभी तक, समझाओ तबीयत को, ठीक है फोन करके समझा देना, बैठो देखो एक बात तो तुम ये कर लो कि जब मैं कभी किसी गर्ल स्टूडेंट को उठाऊं उसके बाद ये हो हा करोगे तो पटक के मारेंगे तुमको। अब तुम उठो राजन, तुमको हर बात में टांग क्यों लगानी होती, हर बात में काय है, बचपन में मैंने एक मुहावरा पढ़ा हुआ तुम पे एकदम फिक्स बैठता है, आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता। एक और पढ़ा था, अकल नहीं है धेले की ढिलिया लगाओ केले की। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मेरी परवरिश कैसी है, हम तुमसे अलग नहीं है इसलिए हमें बदतमीज मत होने दो, हम हुए तो तुम संभाल नहीं पाओगे बेटा, ये सब कर चुके थे तुम, हो इससे सिलेक्शन नहीं होता, जितने लोग ज्यादा हो करेंगे उनका सिलेक्शन उतने साल और नहीं होगा, करो हो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तेरा कौन सी सर, डिस्टिल्ड की अनडिस्टिल्ड ओके चलो आप, तो ये एक्स ओ नहीं है, एक्स वाई नहीं है, इट इज हैप्लो डिप्लॉयड, इट इज अ हैप्लो डिप्लॉयड ऑफ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जो भी हैप्लॉयड है मेल की फीमेल मेल, और जो भी डिप्लॉयड है फीमेल। अब चलो उस क्वेश्चन को डील करते हैं जिसको ज्यादातर लोग सुन रहे हैं, बताओ फीमेल एन की टू एन, मेल एन की टू एन, एन पक्का बताइए, गैमेट बना एन और एन बना, बताओ हैप्लॉयड डिप्लॉयड की हैप्लॉयड हैप्लॉयड, इनका गैमेट हैप्लॉयड रहेगा, फ्यूज हुआ क्या बना फीमेल, हाँ फीमेल पार्थिनोजेनेसिस हुआ क्या बना मेल बना, बताओ ये हैप्लॉयड ये बना मेल, तो एम मतलब एफ मतलब पक्का। अच्छा बताओ अब ये मेल ने गैमेट बनाया, नो सर, बताइए गैमेट हैप्लॉयड के डिप्लॉयड हैप्लॉयड, फीमेल ने गैमेट बनाया, गैमेट इज ऑलवेज हैप्लॉयड, यस और नो। अब बताओ ये दोनों फ्यूज हुए एम की एफ, एफ व्हाट इज एफ फीमेल, क्या पार्थिनोजेनेसिस हुई, एम की एफ एम बना। अच्छा बताओ ये लाइन पी है, पता नहीं ये एफ वन है और ये एफ टू, यस और नो, ये F1 है, ये F1 है, ये भी F1 है, these are F1, these are F1, अच्छा, और ये वाला F2, आइए F1 के मेल को पकड़ते हैं, मेल को पकड़ते हैं, बताइए, मेल का पापा है कि नहीं है, नहीं है, बेटा, बेटा है, तो फीमेल है, सॉरी, मेल को पकड़ते हैं, मेल का पापा है कि नहीं है, अच्छा बताओ बेटा नहीं है, बेटी है, तो इसका बेटा नहीं है, पापा भी नहीं है, लेकिन क्या ये बेटी आगे चल करके बेटा फर्टिलाइजेशन करेगी, मेन सपोर्ट ये फीमेल है और ये क्या रहा मेल, मेल में गैमेट बना और ये फीमेल का गैमेट बना, फ्यूज हुआ क्या बनाया टू एन, एन की टू एन, टू एन, और क्या इसका एक अनफर्टिलाइज एग रहेगा, मेल बनाएगा। जरा आप इसके नजरिए से देखो, इसके बिटिया नहीं है लेकिन बिटिया का बेटा है, इसका मतलब इसका सन है कि ग्रांड सन, इसका पापा नहीं है लेकिन इनको बनाने वाला, इनको बनाने वाला एक मेल होगा, यस सर, तो सन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, फादर होंगे कि नहीं होंगे, तो क्या होंगे ग्रांड, यानी नाना होंगे, नानी नहीं, मजाक मत किया करो, टॉपिक चला जाता है हाथ से,
नाना होगा और नाती, बेटा नहीं, पापा नहीं, तो बताओ सन होंगे कि नहीं होंगे, ग्रैंड सन होंगे, फादर होंगे, ग्रैंड फादर। और इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन का नाम हैप्लो डिप्लॉयड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यहाँ एक्स एक्स का कोई रोल नहीं है, एक्सओ का रोल नहीं है, एक्स वाई का रोल भी नहीं है, यहाँ पर किसका रोल है? हैप्लो डिप्लॉयड। तो हैप्लोइड होना इज मेल और डिप्लॉयड होना इज एंड नाउ दिस इज आउट ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो मैं पढ़ाने जा रहा। पहले लिख दिया, जिनका मन ना करे वो आराम से बाहर जाकर के अपना चाय पानी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दो क्वेश्चन एक दो साल में पूछे गए, इस वजह से मैं उन 85 के बाद 5 क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको तुम ये ना कह पाओ कि सर आपने जो पढ़ाया उनमें से 80-85 क्वेश्चन आए, 90 नहीं आए। तो 80 से 85-83 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आएंगे, 5 से 7 क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं उनके लिए मैं सब चीज़ें पढ़ाता हूँ, तो आप पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए, ध्यान सुनिए। इसमें से एक हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेसिस सीबी ब्रिज नाम के साइंटिस्ट ने पढ़ाई थी, और इस हाइपोथेसिस को हम लोग ब्रिज हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज जीनिक बैलेंस हाइपोथेसिस, जीनिक बैलेंस हाइपोथेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये जीनिक बैलेंस हाइपोथेसिस है सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रिज हाइपोथेसिस भी बोलते हैं इसे, और ये केवल लागू होती है ड्रोसोफिला में, नॉट फॉर ऑल। तो एक दो साल बच्चों ने मुझसे इस क्वेश्चन को भी पूछा था कि सर ड्रोसोफिला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि तुम उसके लिए एक अलग से हाइपोथेसिस पढ़ाने लगे। तो मैंने कहा ड्रोसोफिला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें जेनेटिक स्टडीज बहुत हुई है, और जेनेटिक स्टडीज करने वाले हमारे एक महान साइंटिस्ट का नाम है T.H. Morgan। तो T.H. Morgan ने लिंकेज क्रॉसिंग ओवर इसी पे डिस्कवर किया था, और इस वजह से इनके सेक्स डिटर्मिनेशन को देखना बहुत जरूरी हो गया था। T.H. Morgan ने इसी फ्लाई पर काम किया था, इसका नाम है फ्रूट फ्लाई। क्या नाम है? फ्रूट। तो ड्रोसोफिला या फिर फ्रूट फ्लाई पर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, और उन एक्सपेरिमेंट को हमें जानना चाहिए, और उसी की बेसिस पर ये हाइपोथेसिस दी गई। तो पहली बात जो यहाँ लिखा था, इट इज इन सिलेबस, ये आउट ऑफ सिलेबस, इट इज आउट ऑफ सिलेबस। साइंटिस्ट का नाम सीबी ब्रिज, ब्रिज की हाइपोथेसिस का नाम ब्रिज हाइपोथेसिस, ऑल्सो नोन एज जीनिक बैलेंस हाइपोथेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, एंड दिस हाइपोथेसिस इज अप्लाइड फॉर ऑल टाइप ऑफ इंसेप्ट, नो ओनली फॉर मौसम। और यू हैव टू नो, आपको मालूम होनी चाहिए, भले क्वेश्चन आए या ना, याद रखना जीनिक बैलेंस हाइपोथेसिस कहती है देयर इज नो रोल ऑफ वाई क्रोमोजोम, नो रोल ऑफ वाई क्रोमोजोम इन सेक्स डिटर्मिनेशन। और 2-3 सालों में मैंने जब से पढ़ाई है, इसका एक ड्रॉबैक भी है, वो ड्रॉबैक मैं बोल दे रहा हूं। मैं पढ़ाता ड्रोसोफिला के लिए हूं, और बंदा क्वेश्चन जब लेके आता है तो ह्यूमन के लिए लेके आता है। मैंने ये हाइपोथेसिस ड्रोसोफिला में पढ़ाई कि ह्यूमन के लिए, तो ये ह्यूमन पे अप्लाई। तो ये बात कि वाई क्रोमोसोम का सेक्स डिटरमिनेशन में कोई रोल नहीं, किस पे लागू होती? ह्यूमन पे भी नहीं लागू होती, ह्यूमन पे ये बात लागू नहीं होती। ह्यूमन पे वाई क्रोमोसोम का बड़ा रोल है, उसके लिए मैं सबके सामने बोल रहा हूं, ह्यूमन में वाई क्रोमोसोम का बहुत बड़ा रोल है। याद रखना ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम का रोल नहीं, तो फिर किसका रोल है? बोलते हैं इसमें रोल है रेशियो ऑफ एक्स बाई ए, एक्स बाई ए का रेशियो मायने रखता है। अब कई बार लोग पूछते हैं व्हाट इज एक्स, यहां पर एक्स इज नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम,
एक्स यहां पर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट है उनको काउंट करना पड़ेगा, और यहां पर ए का मतलब है ऑटोसोम, पर ऑटोसोम का नंबर नहीं लिखना बल्कि सेट ऑफ ऑटोसोम। एक्स बाय ए में व्हाट इज एक्स? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। व्हाट इज ए? यहां पर नंबर नहीं है, यहां पर क्या है? सेट। कई बार बच्चे पूछते हैं व्हाट इज सेट, जैसे मैं बोलूं मेरे पास 23 पेयर है क्रोमोसोम, मेरे पास, मैं ड्रोसोफिला नहीं पर फिर भी मैं क्वेश्चन पूछूं, तो 23 पेयर में एक सेट है 23 का, दूसरा सेट है 23 का, तो बताओ एन होना एक सेट है, दूसरा एन होना दूसरा सेट है, सो हाउ मेनी सेट आई हैव? टू। तो अगर मैं 23 में से 23वां हटा दूं और बचे 22, तो 22 बताओ सेक्स क्रोमोसोम है कि ऑटोसोम? तो ऑटोसोम के 22 गिनूंगा कि सेट गिनूंगा? तो बताओ 22 पेयर होने के बावजूद भी सेट कितने हैं? दो। तो 44 क्रोमोसोम यहां लिखूंगा कि दो? दो, क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम लिखना है कि सेट? सेट। और यहां पर क्या लिखना है? तो क्रोमोसोम की जब बात आएगी तो क्या लिखोगे? नंबर। और जब ऑटोसोम की बात आएगी तो नंबर की सेट? सेट। और इस तरीके से उन्होंने इस रेशियो के कुछ रिजल्ट देखे, वो रिजल्ट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं और आप इसे लिख लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। हटा दूं मैं इसे? साइंटिस्ट हैं सीबी ब्रिल्स, हाइपोथेसिस इज नोन एज ब्रिजेस हाइपोथेसिस, ब्रिजेस हाइपोथेसिस ऑल्सो नोन एज जीनिक बैलेंस हाइपोथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, एंड दिस हाइपोथेसिस डिस्क्राइब फॉर ड्रोसोफिला, और ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम का रोल नहीं बताया गया, और बोला गया कि वाई क्रोमोसोम का कुछ रोल नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन में, और बोला गया कि जो भी रोल है वो एक्स का अकेले नहीं है, एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम के रेशियो का है। केवल एक्स का है कि ऑटोसोम? ऑटोसोम और एक्स, जहां पर एक्स बाई ए का रेशियो लिखते वक्त ध्यान क्या रखना है? एक्स लिखें तो सेट ऑफ एक्स लिखें कि बेटा नंबर? नंबर। और जब ए लिखें सेट ऑफ ऑटोसोम। हटा दें? यस, थैंक यू वेरी मच। आगे देखिए, अगर मान लीजिए कहीं पर आपको एक्स एक्स लिखा हुआ मिल जाए और साथ में बोला जाए कि ऑटोसोम का एक नहीं दो सेट है, तो ये दो सेट ऑटोसोम के साथ एक्स एक्स है। अगर मैं कुछ ना पढ़ाता और आपको कंफ्यूज ना करता तो बोलता ड्रोसोफिला अगर एक्स एक्स है तो मेल है कि फीमेल? आप क्या जवाब देते हैं? पहले नॉर्मल चीज पढ़ो, नहीं तो एबनॉर्मल पढ़ते वक्त दिमाग होगा। अगर एक्स एक्स होता तो मेल की फीमेल? और अगर मैं बोलता एक्स वाई? इतना तो जानते हो। अभी मैं इनको अलग से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा कि वी हैव द टू सेट ऑफ द ऑटोसोम अलोंग विद एक्स एक्स, सो यू प्लीज फोकस अपॉन एक्स एक्स। आपको मालूम है ये फीमेल है, आप प्रूव करते हैं कैसे फीमेल है। ध्यान से देखिएगा, वंस मोर इट इज ए ए दैट इज ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, दो एक्स है, लिखते वक्त हम लिखेंगे दो एक्स अपॉन दो सेट ऑफ द ऑटोसोम, वैल्यू आएगी वन। जब भी x by a की वैल्यू 1 आए a है फीमेल, ये फीमेल है। इस डाटा को लिख लीजिए, जब भी x by a की वैल्यू 1 आए ये हमेशा फीमेल होगी, इट इज ऑलवेज फीमेल। चलिए दूसरा आपको बता रहा हूं, दो सेट ऑफ ऑटोसोम के साथ एक्स वाई है, अब ये भी आपके लिए नॉर्मल है। अब आप इसमें x का नंबर देखिए कितना x है, एक, और ऑटोसोम के सेट दो, तो यहां पर आएगा 1/2, वैल्यू आएगी 0.5, और जब भी 0.5 वैल्यू आ जाए आप इसे मेल लिखिए, इट इज मेल। ओके, अगर कहीं पर भी तीन ऑटोसोम के सेट के साथ एक्स वाई आ जाए, क्या लिखेंगे? 1/3, वैल्यू क्या है? सी। ओके, वन मोर, अगर ट्रिपल एक्स के सॉरी दो एक्स के साथ एक वाई आ जाए, देखिए तीन ऑटोसोम और दो एक्स और वाई आ जाए, अब आप इसे देखिए 2/3, वैल्यू बताओ 0.7,
सिक्स सेवन आई थिंक यस और नो इट इज इंटरसेक्स गाइनेंड्रोमॉर्फ ना मेल ना फीमेल मेल और फीमेल दोनों के बीच का या फिर तीन सेट ऑफ ऑटोसोम के साथ दो एक्स क्रोमोसोम आ जाए इट इज अगेन टू बाई थ्री वैल्यूज अगेन 0.67 एंड इट इज अगेन इंटरसेक्स अब जो लोग बुद्धिमान होंगे वो समझ जाएंगे कि 0.5 होना मेल है और 1 होना फीमेल है आधा वैल्यू 0.5 वैल्यू आए मेल है एक वैल्यू आए फीमेल है बीच की सारी वैल्यू बीच के लोगों को बनाती है जो वैल्यू बीच की है वो बीच वालों को बनाएगी दैट इज नोन एज इंटरसेक्स 0.67 इंटरसेक्स पूछो उनसे पॉइंट सिक्स सेवन एक है कि बेटा 0.5 और एक के बीच का है 0.5 होना मेल है एक होना फीमेल है इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू आए वो दैट इज इंटरसेक्स एक और वैल्यू देखिएगा प्लीज यहां पर ए ए के साथ यस वैल्यू आ रही एक्स एक्स एंड एक्स तीन एक्स क्रोमोसोम आए हैं अब जब तीन एक्स क्रोमोसोम आएंगे तो 3/2 लिखेंगे आप वैल्यू आएगी 1.5 याद रखना 1 से ज्यादा कोई भी वैल्यू आए इट इज सुपर फीमेल सुपर फीमेल एक से ऊपर गए तो सुपर फीमेल और यहां पर तीसरी कंडीशन जो मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस की थी फिर से डिस्कस कर रहा हूं तीन ए हैं साथ में एक्स और वाई है वैल्यू आएगी 1/3 जिसकी वैल्यू आएगी 0.33 आई थिंक यही आएगी और अगर 0.5 से कोई भी कम चीज आ रही है इट इज सुपर मेल अब तुम्हें याद क्या करना है ये तुम कुछ याद नहीं कर पाओगे आज नहीं कल भूलोगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं ये बस अगर ये याद करके तो कभी रट्टा नहीं मानोगे एक है तो फीमेल 0.5 है तो बीच का है तो बीच का और 0.5 से कम है तो मेल करेक्टर बढ़ेगा कम होना मेल करेक्टर और ज्यादा होना फीमेल तो एक से ज्यादा गए तो सुपर फीमेल और 0.5 से कम आए तो सुपर मेल और 0.5 और एक के बीच में कुछ भी आया इंटरसेक्स एंड दिस इज योर क्लास वर्क करो इसे इस क्वेश्चन का जवाब दो क्या होगा ये पता नहीं हाँ कैसे 1/2 कितना आया 0.5 अब बताओ यही ग्रॉस हॉपर होता तो भी क्या होता में और यहां पर भी क्या है में तुम्हें लगेगा एक्सोटाइप मानी जा रही है एक्सोटाइप नहीं क्योंकि ये मेल स्टेराइल होगा क्या होगा स्टेराइल मेल होगा लेकिन क्या होगा स्टेराइल ये फर्टाइल स्टेराइल नहीं बताते ये केवल मेल होना बताते हैं 0.5 हुए तो में एक हुए तो बीच में हुए तो बीच के एक से ज्यादा तो सुपर फीमेल और 0.5 से कम तो सुपर एंड दिस इज अ ब्रिजेस हाइपोथेसिस डिस्क्राइब बाय सीबी ब्रिज एंड इट इज आल्सो नोन एज जीनिक बैलेंस हाइपोथेसिस जीसान आयुब खान वहां पर बातें नहीं होनी चाहिए चलो ये वैल्यूज बताओ बताओगे yes, चलो बताओ अब मैं हटा दूं तुमको दो वैल्यूज अपने दिमाग में रखनी है सारी नहीं सारी रखोगे सब भूलोगे एक कौन 0.5 और एक अठन्नी और एक रुपया रुपया हो तो अठन्नी हो तो और अठन्नी और रुपया के बीच में हो तो रुपया से ज्यादा और अठन्नी से कम तो अगर कोई चवन्नी है तो हाँ सुपर और 1.5 रुपया 12 आना इंटरसेक्स पता नहीं क्यों तुम पंसारी वाली लैंग्वेज में आसानी से समझ जाते चवन्नी अठन्नी रुपया तो 12 आने नहीं समझते 75 पैसा इट इज नोन एज 12 आना व्हाट इज 16 आना अब
आपने ये भी कॉन्सेप्ट नहीं समझा, 25 पैसा वाला चार आना, तो दूसरा 25 पैसा चार आना, और तीसरा 25 पैसा चार आना, चार चार आठ चार बारह, तो 12 आना मतलब 75 रुपये पैसा नहीं आया। अरे यार कुछ भी नहीं आया। अच्छा बताओ 16 आना, और मुहावरा नहीं सुना कि भाई साहब आपने 16 आने सच्ची बात कही, व्हाट इज 16 आने सच्ची, एक रुपया नंबर एक बार, नहीं समझ में आया। अच्छा ये मतलब होता है, आज समझ में आया बेटा। देखो हर एक बात में कॉन्सेप्ट है, अगर तुम सीखना चाहो तो। हटा दे हम, बताओ ब्रिज हाइपोथेसिस इज फॉर ह्यूमन ड्रोसोफिला, और थोड़ी देर बैठ करके सोचो कि तुमको सेक्स डिटर्मिनेशन में मैंने 7 बातें बताई हैं, अगर तुम सीख गए तो मैं काउंट कराता हूं। पहला हेंकिन, एक्स एक्स की एक्सो ड्रोसोफिला, एक्स वाई मेल, मेरे मेल वाला सेक्स डिटर्मिनेशन और एक्सप्लेन किया था। इसके बाद पांचवा पॉइंट, वर्ड्स पढ़ाया था जेड जेड जेड, और आज आकर के दो चीजें पढ़ाई, हनी बी और ब्रिज हाइपोथेसिस। तो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक इतना आसान नहीं है। कुछ लोग मुझसे बोल रहे बड़ा स्लो पढ़ा रहे हो, स्लो नहीं पढ़ा रहे, सब कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए आपको स्लो लग रहा है। तो याद रखना 7 बातें अगर आपको मालूम होती हैं तो आपको सही समझ में आता है। इसलिए जो लोग भी कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब एक्स एक्स और एक्स वाई, वो बेवकूफ है, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है। कई तरीके से डिटरमाइन किया जा सकता है, यस और नो। और अगर प्लांट में घुस गए तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि क्यों मार्केंसिया डाइसियस है और क्यों फ्यूनेरिया मोनोइसियस है ये पता लगाते लगाते कई लोगों ने अपनी PhD पूरी कर ली। क्या पूरी कर ली? तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल को मैंने पढ़ा दिया, प्लांट में पढ़ना थोड़ा और मुश्किल है। खैर इसके बाद हमारा छोटा सा टॉपिक है नोन एज म्यूटेशन। बड़ा टॉपिक है लेकिन आपको लगेगा छोटा क्योंकि बुक में छोटा लिखा है। चलिए आइए, म्यूटेशन इज सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। कैन बी इनहेरिटेबल, जिसे इनहेरिट किया जा सकता है, पर हर म्यूटेशन इनहेरिट किया जाए ये जरूरी नहीं। जैसे अगर किसी के फादर को कैंसर है तो उसके बच्चे को भी कैंसर होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन कैंसर का कारण म्यूटेशन हो सकता है। तो इट इज ऑलवेज इनहेरिटेबल की कैन बी इनहेरिटेबल, ये इनहेरिट किए जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये हुआ, बताओ व्हाट इज म्यूटेशन। पहला पॉइंट सडन चेंज इन जेनेटिक, जेनेटिक मटेरियल में सडन चेंज हो जाना इट इज म्यूटेशन एंड इट कैन बी इनहेरिटेबल। याद रखना जनरली म्यूटेशन आर रिसेसिव, पहले ही पढ़ा चुका था, जनरली म्यूटेशंस आर रिसेसिव, पर मैंने ऐसे नहीं कहा कि दे आर ऑलवेज रिसेसिव, मैंने ऐसे नहीं कहा, जनरली म्यूटेशन आर रिसेसिव, दे आर रेयरली यूजफुल, रेयरली यूजफुल होते हैं, मोस्टली हार्मफुल ही होते हैं, ज्यादातर म्यूटेशन हार्मफुल ही होते हैं, बहुत कम म्यूटेशन है जो आपके लिए यूजफुल हो। और तीसरी बात दे आर वेरी मच नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पीसीज का इवोल्यूशन हो तो म्यूटेशन होने ही पड़ेंगे। अगर इवोल्यूशन नहीं हुआ, सॉरी अगर बेटा म्यूटेशन नहीं हुआ तो इवोल्यूशन के चांसेस बहुत कम है, आप इवॉल्व नहीं हो पाओगे। और एक बात जो आपको याद रखनी है, म्यूटेशन आर वेरी स्लो, एक दिन में हम बंदरों से आदमी नहीं बने, मिलियंस ईयर लग गए, इसका मतलब इवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है इसलिए म्यूटेशन भी स्लो प्रोसेस है। चलिए
ये सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल है, कैन बी इनहेरिटेबल, जनरली म्यूटेशनल रिसेसिव, रेयरली यूजफुल, मोस्टली हार्मफुल एंड दे आर वेरी नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन, स्लो, फास्ट और स्लो, स्लो। और एक बात जो आपको म्यूटेशन में देखनी चाहिए कि म्यूटेशन, मैंने जेनेटिक मटेरियल के बारे में बोला और जेनेटिक मटेरियल के बारे में आज तक मैंने जो पढ़ाया है वो ये है कि भाई यूकैरियोटिक लोगों में डीएनए और हिस्टोन मिल जाते हैं, डीएनए और हिस्टोन मिलकर के एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस थ्रेड का नाम है क्रोमैटिन। इन क्रोमैटिन में कंडेंसेशन होता है, क्या होता है, कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन से बनता है क्रोमोसोम, फिर से बोलो क्रोमोसोम। तो अगर मुझे म्यूटेशन कराना है तो मैं इन सारी जगह म्यूटेशन करा सकता हूँ, आई कैन म्यूटेट द क्रोमोसोम, आई कैन म्यूटेट द क्रोमैटिन एंड इवन आई कैन म्यूटेट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो म्यूटेशन कैन बी एनी वेयर इन डीएनए, इन क्रोमैटिन और इन क्रोमोसोम, बिकॉज डीएनए एंड हिस्टोन दे विल यूनाइट टू फॉर्म क्रोमैटिन एंड क्रोमैटिन इन एम फेज, किस फेज, एम फेज बिकम द क्रोमोसोम, और अगर ये क्रोमोसोम बन गया तो म्यूटेशन क्रोमोसोम में हो सकता है, म्यूटेशन क्रोमैटिन में हो सकता है, म्यूटेशन डीएनए में हो सकता है। चलिए अब मैं ये पेज हटा रहा हूँ और आपको इस पेज की सारी बातें मालूम होनी चाहिए। चलिए, म्यूटेशन इज सडन, ग्रेजुअल और सडन, अचानक होता है, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, इट कैन बी इनहेरिटेड, जनरली म्यूटेशन आर रेसेसिव, रेयरली यूजफुल, मोस्टली नेसेसरी फॉर, क्या ये इवोल्यूशन के लिए जरूरी है, फास्ट है कि स्लो है, slow. अच्छा अब मैं बता रहा हूं म्यूटेशन कहीं भी हो सकता है, कहां कहां हो सकता है, डीएनए कहां हो सकता है, क्रोमैटिन और कहां, तो ये कहां हो रहे हैं उस बेसिस पर म्यूटेशन दो प्रकार का, म्यूटेशन आर ऑफ टू टाइप, वन इज नोन एज क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, दूसरे प्रकार के म्यूटेशंस दे आर नोन एज जीन म्यूटेशंस, सो म्यूटेशन आर ऑफ टू टाइप, वन इज नोन एज क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड अदर वन इज नोन एज जीन म्यूटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्लीज रिमाइंड या फिर कोशिश करिए याद करने की कि क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम में एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, सेंट्रोमियर बोलते हैं, और इसमें बेटा जो बेटा अटैच स्ट्रक्चर हैं दे आर नोन एज क्रोमैटिड्स, बोलो क्रोमैटिड्स, तो मुझे मालूम है इट इज अ सेंट्रोमियर और ये है क्रोमैटिड्स, और कोई मुझसे पूछे क्रोमैटिड किसके बने हैं तो मैं बोलूंगा अल्टीमेटली ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने। तो बोलते हैं क्रोमोसोम के म्यूटेशन का मतलब क्या है, क्रोमोसोम के म्यूटेशन का मतलब है या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर, यानी कोई क्रोमोसोम स्ट्रक्चर वाइज बदल जाए, या फिर म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन नंबर, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे ह्यूमन के पास कितने क्रोमोसोम हैं, 23 पेयर, तो 23 पेयर का मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम, 46, और 46 के बजाय आपके पास 47 क्रोमोसोम आ जाए, ये म्यूटेशन है, अगर 43 बचे ये म्यूटेशन है, 45 बचे म्यूटेशन है, तो बताओ 45 43 42 ये सेल स्ट्रक्चर की बात चल रही है कि नंबर की, नंबर, और अगर बेटा इस क्रोमोसोम में स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आ जाए तो इट इज नोन एज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन इन क्रोमोसोम कितने प्रकार से हो सकता है, दो, एक म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर और दूसरा म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नाउ
जीन म्यूटेशन, एवरीवन हियर, जीन म्यूटेशन इज द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। जब मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा तब ये फिर से म्यूटेशन पढ़ाऊंगा। सो आप लोग याद रहे, म्यूटेशन में आपको दो बार पढ़ाऊंगा, एक बार इस चैप्टर में, एक बार अगले चैप्टर में, क्योंकि जब तक आप जीन नहीं समझेंगे जीन म्यूटेशन आपको समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। खैर, मैं बायोमॉलिक्यूल आपको पढ़ाया हूं, उस नॉलेज के हिसाब से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप जवाब देंगे? चलिए जवाब दीजिए। क्या आपको डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल याद है? यू नो दैट द डीएनए हैव द सिंगल हेलिकल की डबल हेलिकल, डबल हेलिकल दो स्ट्रैंड है सर, दो स्ट्रैंड में ए के सामने हमेशा टी, भूल गए आप, याद है? एडेनिन हमेशा किससे पेयर करेगा? थायमिन। गुआनिन हमेशा, साइटोसिन हमेशा, थायमिन हमेशा, एडेनिन हमेशा, थायमिन। आज बिना वो चैप्टर पढ़ाए मैं छोटी सी जानकारी आपको दे रहा हूं। कोई पूछे व्हाट इज जीन, तो बोलना जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस। मेरे साथ बोलो, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस अपॉन डीएनए। डीएनए में नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस होता है उसे जीन बोलते हैं। तो बताओ एटीजीसी होना ये एक जीन होना है, टीसीए जीए होना ये होना एक जीन होना है। तो कोई पूछे व्हाट इज जीन, बता पाओगे? व्हाट इज जीन? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस अपॉन डीएनए। तो भाई थोड़ी आइडिया ले लो क्योंकि थोड़ी बातें यहां लिखी। अब बोलते हैं एक नाइट्रोजन बेस को तुमने चेंज कर दिया, तो बताओ पूरा नाइट्रोजन बेस चेंज हुआ कि पॉइंट? तो जीन म्यूटेशन आर ऑफ टू टाइप। अगर आपने एक नाइट्रोजन बेस को जाकर बदल दिया तो इसे बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। फिर से बोलो, पॉइंट म्यूटेशन। और अगर आपने सारे नाइट्रोजन बेस का फ्रेम बदल दिया, क्या बदल दिया? फ्रेम। फ्रेम का मतलब है यहां पर एक नाइट्रोजन बेस बदला कि सारे? सारे। Then it is known as frame shift mutation. अब वो क्या है उसका टोटल मैं डिस्क्रिप्शन अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अभी तो पढ़ा पाना मुश्किल है क्योंकि अभी जीन ही आपको सही ढंग से मालूम नहीं है। तो बताओ जीन म्यूटेशन कितने प्रकार के? दो। एक कौन? पॉइंट म्यूटेशन। दूसरे कौन? फ्रेम शिफ्ट। पहले बताओ व्हाट इज जीन? जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस अपॉन डीएनए। तो डीएनए में नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं जीन। अब बेटा किसी एक नाइट्रोजन बेस को तुमने चेंज कर दिया तो पूरा जीन चेंज हुआ कि उसका पॉइंट? उसका पॉइंट चेंज हुआ था, पॉइंट म्यूटेशन। और अगर पूरे जीन के नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस बदल दिया तो एक चेंज हुआ कि पूरा फ्रेम? And that is known as frame shift mutation. Point mutation के example है sickle cell anemia. ये इसी जगह पर लिखा हुआ मिलेगा तो आपको आना चाहिए। It is known as sickle cell anemia. और frame shift mutation का example है thalassemia, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा। तो one is known as sickle cell anemia, another one is known as थैलेसीमिया। सो जीन म्यूटेशन इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, तो फिर इस चैप्टर के टॉपिक में क्या क्या है? इट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। सो आई एम गोइंग टू गिव यू डिटेल ऑफ द क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ओके ओके, दैट गाय विद द कैप, इसे खड़ा करो, खड़े कैप के साथ तुम ही हो बेटा, ब्लैक कैप, यस, खड़े। तुमको मैंने बहुत बार बोला तुम पीछे से बैठ जाओ, बैठ जाओ, बहुत बार बोला कि वैसे तो मैं ध्यान ना दूं लेकिन जब बदतमीजी होती तो मेरी आंखें वहां पहुंची जाती हैं, और तुम इस बात को सीरियसली लिए नहीं। नाउ टेल मी व्हाट इज म्यूटेशन एंड ऑल द पॉइंट। आगे आओ, म्यूटेशन के जितने पॉइंट और जितने टाइप मैंने पढ़ाए हैं सब बताओ। क्या नाम है आप?
अब वहां पर जितनी देर बैठना बहुत सतर्क होकर बैठना और अगल बगल वाले से बोलो कि हमसे बदतमीजी मत करना, ठीक है जाओ। हाँ भाई चलो, म्यूटेशन कितने टाइप का है? दोनों याद रहेगा। पहला कौन? दूसरा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम म्यूटेशन है, जीन म्यूटेशन है। बताओ जीन म्यूटेशन कितने प्रकार के? दो। जीन म्यूटेशन समझने के लिए डेफिनेशन आनी चाहिए, जीन की आती है। इट्स अ सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन पॉइंट। हो सकता है फ्रेम, हो सकता है पॉइंट। म्यूटेशन का नाम सिकल सेल फ्रेम से म्यूटेशन का थैलेसीमिया। क्या यहाँ बेटा म्यूटेशन क्रोमोसोम से हो सकता है? क्रोमोसोम के म्यूटेशन कितने प्रकार के? दो। चेंज इन स्ट्रक्चर एंड चेंज इन, सो आई एम गोइंग टू डील विद द क्रोमोसोमल म्यूटेशन इन डिटेल। और इसमें से एक क्वेश्चन 3 साल पहले पूछा गया, तो आपको लगेगा भले कि एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा, लेकिन 3 साल पहले ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बहुत अवेयर रहना। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में चेंज इन स्ट्रक्चर, और इनकी लाइनें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, इसलिए अंडरलाइन कर लेना। स्ट्रक्चर बदलेगा तो क्या क्या बदल सकता है? देखिए क्या बदल सकता है। स्ट्रक्चर बदलते वक्त एक क्रोमेटिड का आर्म छोटा हो सकता है। छोटा होने का मतलब आर्म टूट गई, टूट जाना इट इज नोन एज डिलीशन, डिलीट हो जाना इट इज नोन एज डिलीशन। यूं भी हो सकता है कि क्रोमोसोम नॉर्मल था और उस नॉर्मल क्रोमोसोम में किसी दूसरे क्रोमोसोम का या खुद के क्रोमोसोम का एक पार्ट आकर ऐड हो गया, इट इज नोन एज एडिशन। एडिशन, ये डिलीशन होना और एडिशन होना ये चेंज इन स्ट्रक्चर की वजह से है। यूं भी हो सकता है कि क्रोमोसोम का एक सेगमेंट अपने आप को डुप्लीकेट कर दे। देखना ध्यान से, मान लीजिए यहां पर एक सेगमेंट ए था, यहां बी था और यहां सी था। अचानक इस क्रोमोसोम में एक सेगमेंट बढ़ गया, यस ए बी बी और सी हो गया। बताइए कौन सा सेगमेंट दो बार आया? बी। एंड दिस इज नोन एज डुप्लीकेशन, इट इज नोन एज डुप्लीकेशन। और जो क्वेश्चन आया था नीट का, जाकर के अनसॉल्व देख लेना, वो चौथे नंबर पे अब पढ़ाने जा रहा हूं। ये जो चौथे नंबर वाला चेंज इन स्ट्रक्चर है, ये एनसीईआरटी में ना दिए होने के बावजूद नीट में क्वेश्चन आया 3 साल पहले, वो क्या है? इट इज नोन एज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। और वो क्या होता है उसे आप अभी तुरंत समझ जाएंगे, थोड़ा धैर्य रखें। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्या होता है ध्यान से देखिए, हमने आपको कभी ना कभी क्रॉसिंग ओवर पढ़ाई है। क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम नंबर 1 के साथ पेयर में रहता है, तो 1 और 1 के बीच में क्रॉसिंग ओवर होना, इट इज नोन एज लेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर, वैध क्रॉसिंग ओवर। वैध का मतलब ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होना, इट इज गुड। क्रॉसिंग ओवर होना इट्स नॉट बैड, ये तो कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है, ये तो म्यूटेशन नहीं कह रहा है। लेकिन मान लीजिए कि क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम नंबर 5 के साथ क्रॉसिंग ओवर कर ले, 1 के साथ 1 करे कोई दिक्कत नहीं, क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम नंबर 5 के साथ क्रॉसिंग ओवर कर ले। अब जो मैं पूछूं बताओ मेरा समझ में आ जाएगा, बताओ ये होमोलॉगस की नॉन होमोलॉगस? ये नॉन होमोलॉगस, ये एक दूसरे के लिए, ये एक दूसरे के लिए, ये एक दूसरे के लिए। अगर ये दोनों आपस में क्रॉसिंग ओवर कर ले, बताओ ये लेजिटिमेट की इललेजिटिमेट? इट इज नोन एज अवैध क्रॉसिंग ओवर। इललेजिटिमेट का मतलब होता है अवैध, ये क्रॉसिंग ओवर ठीक नहीं है। और ऐसी क्रॉसिंग ओवर से जब जेनेटिक मटेरियल दो डिफरेंट नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा,
एंड दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। और जिसे तुम अभी हल्का समझ रहे हो, अगर तुम MBBS कर गए तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसे क्रोमोसोम की स्टडी बहुत ज्यादा है। इनमें से जब क्रोमोसोम नंबर 9 और 22 आपस में रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन करते हैं तो एक कंडीशन पैदा होती है, इट इज नोन एज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। और सौभाग्यशाली हो कि तुम ऐसे समय पे पैदा हुए हो जब वन नेशन वन एग्जाम है, नहीं तो किसी ना किसी साल ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आ जाता था, या तो जिपमर में, या तो एम्स में, या तो BHU में, या तो AMU में। ऑल इंडिया में नहीं आता था, क्योंकि ऑल इंडिया बेसिकली NCERT फॉलो करती थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, गूगल कर लेना, घर जाके बहुत सारी चीजें गूगल करते हो कि क्वेश्चन, सॉरी, जब नवा क्रोमोसोम 22वें क्रोमोसोम के साथ रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन करता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है। बहुत सारे कैंसरस कंडीशन पैदा होते हैं एंड दिस कैंसरस कंडीशन इज नोन एज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। बोलो, सो ऑल द क्रोमोसोम आर द फिलाडेल्फिया? नो, व्हेन द 9 क्रोमोसोम क्रॉस ओवर विद 22, दिस कंडीशन इज नोन एज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। और याद रखना, मुझे डर है कि 3 साल पहले ये तो नहीं पूछा गया, इस नाम से नहीं पूछा गया, लेकिन इस नाम से पूछा गया कि व्हाट इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो मुझे डर है कि किसी ने क्वेश्चन पेपर देखकर क्वेश्चन पेपर बनाया तो वो पूछेगा रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का क्या एग्जांपल है, और हो सकता है उनमें से एक एग्जांपल क्या दिया हो, फिलाडेल्फिया। और तब अगर ऐसा हुआ तो आप सही कर देना। तो बताओ कितने तरीके से स्ट्रक्चर बदल सकता है? चारों के तरीके बता पाओगे? पहला डिलीशन, एडिशन, डुप्लीकेशन। और अपनी NCERT में देखो कितने तरीके से लिखा है, लिखा होगा डिलीशन और इंसर्शन लिखा है। तो इंसर्शन 2 प्रकार का हो सकता है, एक कौन सा, एडिशन, और एक डुप्लीकेशन। तो अंडरलाइन कर लो, ये पूरा आउट ऑफ द कोर्स नहीं है। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिलीट हो सकता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इंसर्ट हो सकता है, और इंसर्ट हुआ तो 2 तरीके से इंसर्ट हो सकता है, एक कैसा, एडिशन, और एक कौन, डुप्लीकेशन। एंड तीसरा तरीका भी है, एंड दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अभी तो आया नहीं, आया तो बताओ मैंने म्यूटेशन क्या पढ़ाया था, सडन चेंज पढ़ाया था, कितने प्रकार का पढ़ाया था, एक जीन पढ़ाया था, क्रोमोसोम पढ़ाया था, जीन 2 प्रकार का पढ़ाया था, एक कौन, पॉइंट, और एक फ्रेम से। अभी क्रोमोसोम पढ़ाया, और वो भी कितने प्रकार का, 2, एक कौन, स्ट्रक्चर, और एक नंबर, और नंबर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी कौन सा, स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर कितने प्रकार का, 4, चारों बता पाओगे? पहला डिलीशन, दूसरा एडिशन, तीसरा डुप्लीकेशन। हटा दूं मैं? नहीं, तो जल्दी जल्दी लिखो, जो कुछ लिखना है जल्दी से लिखो। तो बताओ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कितने तरीके से बदल सकता है, 4, चारों के नाम, डिलीशन, एडिशन, और होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होने वाली क्रॉसिंग ओवर इज लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट। खड़े हो, तुम्हारे बगल में क्या बात हो रही, तुम लोगों ने कहा था कि सर यहां पर कोई बदतमीजी नहीं होने देंगे हम लोग जब तक बैठे हैं, जो नहीं बदल सकता वो नहीं बदल सकता चाहे कुछ भी कहो, बैठ जा भाई, आइए। क्रोमोसोमल म्यूटेशन और ये कोर्स में है बहुत ज्यादा, इसलिए इनको बहुत ध्यान सुनना। ड्यू टू चेंज इन नंबर बहुत सारे सिंड्रोम इसी बेसिस पर मिलेंगे। और ये 2 प्रकार के म्यूटेशन है, एक का नाम है यूप्लॉइडी, ऑल्सो नोन एज पॉलीप्लॉइडी,
एक का नाम है एन्यूप्लॉयडी। तो इस चैप्टर को खत्म होने के पहले ये सब कुछ सीखना है तुम्हें, क्योंकि अभी बहुत सारे सिंड्रोम तुम्हें एन्यूप्लॉयडी के मिलेंगे। सो वन इज नोन एज यूप्लॉयडी, अनदर वन इज नोन एज एन्यूप्लॉयडी। तो ये तो एबनॉर्मल चीजें हैं, पहले नॉर्मल चीजें समझो तो एबनॉर्मल चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। हम सब अपने आप को अगर देखें तो हमारे पास 23 पेयर क्रोमोसोम है। 23 पेयर होना क्या है इसको पहले सीखें। 23 पेयर होने का मतलब है 23-23 क्रोमोसोम के दो सेट, और जो हैप्लॉइड सेट है एक सेट है उसी को बोलते हैं जीनोम। तो पहले बताओ व्हाट इज जीनोम? 46 क्रोमोसोम होना जीनोम है कि 23? तो हैप्लॉइड सेल ऑफ द क्रोमोसोम इट इज नोन एज जीनोम। और जब जीनोम नहीं जानोगे तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कैसे जानोगे? व्हाट इज जीनोम? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। जो हमारा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है इट इज नोन एज जीनोम। तो बताओ एक क्रोमोसोम जीनोम है कि 23? तो 23 क्रोमोसोम का एक सेट हैप्लॉइड कहलाया, 23 क्रोमोसोम का दूसरा सेट हैप्लॉइड कहलाया। तो बताइए किसी भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में एक सेट जीनोम है कि दो सेट? सो वी हैव द टू सेट ऑफ जीनोम। पर ये टू सेट ऑफ जीनोम कैसे बना जरा इसकी फीलिंग लीजिए। टू सेट ऑफ जीनोम ऐसे बना कि 23 जगह पर पेयरिंग हुई, पहले क्रोमोसोम की पेयरिंग, दूसरे क्रोमोसोम की पेयरिंग, तीसरे क्रोमोसोम की पेयरिंग, चौथे एंड सो ऑन। ऐसे कितने पेयर हैं? 25। जिसमें से हर पेयर को बोलते हैं सोमिक, सोमिक या फिर सोमी। सो एवरी पेयर ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज सोमी। और पेयर में दो लोगों का होना इट इज नोन एज डाइसोमी। तो हमारे पास कितनी डाइसोमी है? बस सीख गए तुम लोग। कितनी डाइसोमी है? 23। जब 23 डाइसोमी है तो हम लोग दो सेट बनाते हैं, इसका मतलब डिप्लॉइड। बोलो क्या? डिप्लॉइड। तो कितनी जगह है डाइसोमी? 23 जगह। तब हम क्या बने? डिप्लॉयड। तो बताओ डिप्लॉयड होना और डाइसोमी होना एक ही बात है कि अलग अलग? अलग अलग। सोमी होना एक पेयर के रेस्पेक्ट में देखा जाता है, और प्लॉयडी होना सेट के रेस्पेक्ट में। किसके सेट? बताओ डिप्लॉयड का मतलब 23 का एक सेट, 23 का एक सेट। ट्रिप्लॉयड 23 के तीन सेट, हैप्लॉयड 23 के एक सेट, चार नहीं पूछेंगे। हैप्लॉइड 23 का एक सेट, डिप्लॉइड 23 के दो सेट, ट्रिप्लॉइड पक्का। और बताओ सोमी का मतलब एक पेयर। तो बताओ सोमी में दो लोग, डाइसोमी। तो बताओ हमारे पास कितनी डाइसोमी है? 23 जगह पर डाइसोमी है तो हम डिप्लॉइड हुए। तो डिप्लॉइड होना और सोमी होना एक ही बात। तो जब पेयर के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो सोमी बोलेंगे, और जब सेट के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो डिप्लॉइड। अब सुनो यूप्लॉइडी की कहानी कैसे चालू होती है। बोलते हैं यूप्लॉइडी की कहानी चालू होती है जीवन से। जीवन में हमारे पास क्रोमोसोम के पेयर है, मैं दो ही दिखा रहा हूं, इसका मतलब एक ही पेयर नहीं है। कितने पेयर है? 23। फिर हमारा एस फेज आता है, और एस फेज में हम अपने पेयर को डबल करते हैं कि अमाउंट को? अमाउंट को। तो अभी भी 23 पेयर हैं, लेकिन बताओ अमाउंट में डबल। फिर आता है एना फेज। बोलो क्या आता है? एना। और एना फेज में ये सारे क्रोमोसोम फिर से टूटते हैं। तो बताओ दो क्रोमोसोम यानी एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम से कितने क्रोमोसोम बनते हैं? चार। ये एना फेज के बाद आता है टीलो फेज। फिर सुनो टीलो, प्रोफेज, मेटाफेज, एना फेज, टीलो। टीलो फेज के पास होना ये चाहिए कि ये हर क्रोमोसोम अलग अलग न्यूक्लियस में चला जाए। यस और नो? तो बताओ यहां पर एन और एन होना क्या है? टू एन।
यहाँ पर भी 2n, पर जो यहाँ पर क्या है n n n, और होना ये चाहिए कि एक साथ चार सेल बन जानी चाहिए, माइटोसिस की मियोसिस, मियोस क्या बन जानी चाहिए, चार सेल, और हर सेल में क्रोमोसोम आधे चले जाने चाहिए, पर चार सेल बनना इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। बोलो क्या? तो बताओ पहले क्या हो गई? कैरियोकाइनेसिस। फिर क्या होगी? पर कैरियोकाइनेसिस में आप टीलोफेज में गए, कहां गए? टीलो। और टीलोफेज में जाने के बाद आपके पास चार क्रोमोसोम पैदा तो हुए, लेकिन चारों क्रोमोसोम एक ही सेल में रह गए। ये कब हो सकता है कि टीलोफेज तो हुआ लेकिन क्या नहीं हुई? साइटोकाइनेसिस। सो इट इज अ एब्सेंस ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर। ये तक एनसीईआरटी ने लिखा है, घर जाके अंडरलाइन करना। इट इज एब्सेंस ऑफ साइटोकाइनेसिस। फिर से बोलो, एब्सेंस ऑफ साइटोकाइनेसिस। एब्सेंस मतलब नेगेटिव। आफ्टर टीलोफेज विल गिव यू एन 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 एन। कितने एन? चार एन। तो बताओ हैप्लोइड हुए, डिप्लोइड हुए कि टेट्राप्लोइड? टेट्राप्लोइड। तो बताओ टेट्राप्लोइड जब हुए आप, तो आपके क्रोमोसोम पेयर में बढ़े कि सेट में? सेट में। आप कहते थे 2n और आप हो कैसे गए 4n? तो क्या बढ़ा? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम का नंबर एक दो बढ़ा कि सेट बढ़ा? तो सेट ऑफ क्रोमोसोम का बढ़ जाना इट इज यूप्लॉइडी। इट इज इंक्रीज और चेंज। इट इज चेंज इन सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के सेट का चेंज हो जाना इट इज नोन एज यूप्लॉइडी। एंड दिस यूप्लॉइडी इज ऑल्सो नोन एज पॉलीप्लॉइडी। क्या बोलते हैं इसे? पॉलीप्लॉइडी। दिस इज ऑल्सो नोन एज पॉलीप्लॉइडी। श्वेता, प्लांट ब्रीडिंग में कहां यूज किया था? भूल गया सर, चैप्टर भूल गया सर। सिलेक्शन अगले साल लेंगे, इस साल तो लेंगे नहीं। आपको पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग पढ़ाई गई नहीं? भूल गए होगे। म्यूटेशन ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, किसी को याद नहीं है? याद है, वहां पर सिखाया गया था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, सिलेक्शन ऑफ जर्म प्लास्ट, फिर जर्म प्लास्ट के बाद हाइब्रिड, फिर बताया गया था बच्चे पैदा हुए उनमें क्या होगा, सिलेक्शन, फिर उनकी टेस्टिंग, फिर टेस्टिंग करने के बाद उनकी मार्केटिंग। और वहां पर हम लोग पॉलीप्लॉइडी बनाते थे, दो रेस पढ़ाई थी मैंने। यस मेगा, कौन कौन सी दो रेस थी जो पॉलीप्लॉइडी कर सकती थी? सर पता नहीं कौन सी थी, जाके चैप्टर दोबारा पढ़ना कि वो यूवी रेस थी कि कौन सी रेस थी। और याद रखना लिनियसी फैमिली का एक मेंबर है कॉलचीनियम ऑटोमनेल। फिर से बोलो, कॉलचीनियम ऑटोमनेल है। और ये कॉलचीनियम ऑटोमेनिल से एक सब्सटेंस निकाला जाता है कॉलचीसिन। फिर से बोलो, और कॉलचीसिन जब प्लांट में डाला जाता है तो क्या इंड्यूस होती है? पॉलीप्लॉइडी। ये तक भी पढ़ाया, भूल गए? याद है तो बताओ पॉलीप्लॉइडी ब्लीडिंग कहां पर सिखाई थी और क्या पढ़ाया था? जाकर के आज पढ़ना और एग्जाम्पल याद करके आना, बैठो। तो पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग हमारे लिए खराब है लेकिन प्लांट के लिए काफी यूजफुल है। तो व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी? इट इज अ चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ पेयर और इन अ सेट। सेट, सेट ऑफ क्रोमोसोम का बदल जाना इट इज नोन एज यूप्लॉइडी, आल्सो नोन एज पॉलीप्लॉइडी। तो बताओ एन होना हैप्लॉइड, एन होना हैप्लॉइड, 2n होना 3n होना ट्रिप्लॉइड, 4n होना टेट्राप्लॉइड, 5n होना पेंटाप्लॉइड। तो अगर सेट ऑफ क्रोमोसोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं इट इज म्यूटेशन। बोलो क्या? और जाकर के दोबारा चैप्टर रिवाइज करो, और मैंने पढ़ाया था म्यूटेशनल ब्रीडिंग में पॉलीप्लॉइडी ब्लीडिंग होती है, और ये म्यूटेशन हम लोग करवा सकते हैं कॉलचीसिन से, यूवी रेज से। कौन कौन सी रेज मैंने पढ़ाई थी वो याद करके आप। सर बिल्कुल हवा नहीं है कि अभी कभी आपने पढ़ाया था। चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजीज इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट एंड फूड प्रोडक्शन, याद है? यस सर। चलो व्हाट इज यूप्लॉइडी? क्रोमोसोम नंबर किस में? पेयर में कि सेट में? सेट में। हाँ सेट में। अभी एन्यूप्लॉइडी बाकी है मेरे दोस्त, तो अगर तुम अलाउ करो तो मैं इसे हटाऊं। बताओ चेंज इन क्रोमोसोम नंबर कितने प्रकार का? दो। एक कौन? यूप्लॉइड, दूसरा एन।
यूप्लॉइडी में एक दो किस सेट, आइए एन्यूप्लॉइडी देखते हैं। और इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि यही है जो सिंड्रोम पैदा करेगा, इट विल प्रोड्यूस द सिंड्रोम। और कम से कम तीन सिंड्रोम तो आपके कोर्स में, एडवर्ड डाउन, क्लाइने फिल्टर, टर्नर, मतलब भाड़ में जाए हमको कौन सा पढ़ना है, पढ़ना है कि नहीं, चलो बताओ। एन्यूप्लॉइडी, अब सुनो बच्चे मेरे, इधर मान लीजिए आपके पास डिप्लॉइड कंडीशन है, ये रही वो डिप्लॉइड कंडीशन 23 जगह, मैं चार जगह दिखा सकता हूं, मेरे पास जगह नहीं है और मैं उतना अच्छा ड्राइंग नहीं कर पाता। और ये भी बेटा 23 जगह पर क्रोमोसोम, ये मेल है और ये फीमेल है, मेल और फीमेल अपने गैमीट बना रहे हैं। मुझे इस क्वेश्चन का जवाब आप ही लोग देंगे, नहीं तो मैं बैठा रहूंगा। बताओ गैमीट बना रहे हैं और दोनों हैं डिप्लॉइड, बताइए दोनों लोग डिप्लॉइड हैं, गैमीट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, मियोसिस की माइटोसिस, मियोसिस के दौरान इन क्रोमोसोम का आपस में सेपरेशन होगा, इसी को बोला गया था सेग्रीगेशन लॉ। बताओ कितनी जगह सेग्रीगेशन होगा, 23 जगह पर क्रोमोसोम अलग होंगे। आज इस सेग्रीगेशन का एक नाम और सुनो, इसे बोलते हैं डिसजंक्शन, बोलो disjunction। ये नाम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि तो क्वेश्चन इसी नाम से आएगा। बताओ दोनों क्रोमोसोम का अलग होना डिसजंक्शन, पहला क्रोमोसोम अलग हुआ दूसरा अलग हुआ, ऐसा कितनी जगह डिसजंक्शन, 23। मान लीजिए डिसजंक्शन के दौरान कोई एक क्रोमोसोम डिसजंक्शन नहीं हुआ, जब नहीं हुआ तो क्या हुआ आइए देखते हैं। मियोसिस होने पर सारे क्रोमोसोम डिसजंक्शन हो गए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, एक का डिसजंक्शन नहीं हुआ, सॉरी डिसजंक्शन होने पर एक क्रोमोसोम आया इधर, एक आया, एक आया, एक क्रोमोसोम दोनों के दोनों लेकर के चला आया। दोनों लेकर के चला आना मतलब पहले पेयर का डिसजंक्शन हुआ, दूसरे का हुआ, तीसरे का हुआ, और भी सारे का हुआ, पर इसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, इसका मतलब यहां पर पेयर अलग हुआ कि साथ आ गया, साथ। अब ये मेल है तो इसे बोलेंगे स्पर्म, सर ये स्पर्म आ गया। अब बेटा उसी बंदे का दूसरा गैमेट कैसा होगा, जरा देखने लायक बात है। पहले पेयर का डिसजंक्शन हो गया तो पहला क्रोमोसोम तो अनपेयर्ड होगा, दूसरा अनपेयर होगा, तीसरा अनपेयर होगा, और जिसका डिसजंक्शन नहीं हुआ वहां पर क्रोमोसोम होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, खाली जगह हो, खाली जगह हो। क्यों खाली जगह होगी, क्योंकि उसका पेयर उसी के पास है कि अलग आ गया, अलग आ गया। बताओ ये स्पर्म है और ये भी क्या है, स्पर्म। और मैंने कहा कि ओवा नॉर्मल बन गए, मैंने ऐसे कहा कि ओवा नॉर्मल बन गए, मैंने ये नहीं कहा कि ओवा नॉर्मल बनेंगे, मैंने कहा बन गए, बन गए तो मान लो ओवा नॉर्मल बन गए, और ओवा के सारे पेयर में डिसजंक्शन नॉर्मल हुआ। अब ये रहे ओवा और ये रहे स्पर्म, और ये दोनों लोग आपस में मेट कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं। ब्रीडिंग करने पर इस स्पर्म जिसका नाम है स्पर्म नंबर वन, ओवा नंबर वन के साथ फ्यूज करा रहे हैं। प्लीज फ्यूज कराइए और मुझे बताइए क्या हो रहा, पहला क्रोमोसोम पेयर हुआ कि अनपेयर हुआ, दूसरा क्रोमोसोम पेयर, तीसरा क्रोमोसोम पेयर, चौथा वाला इसको इसके साथ देखो बताइए, वहां पर एक कॉपी आई कि तीन, तीन, चौथा पेयर। अब बताओ ये सोमी है, सोमी है, सोमी है, सोमी है, सोमी है, लेकिन इस सोमी में दो, इस सोमी में दो, तो बताओ ये मोनोसोमी की डाइस हो, डाइस हो, और इस सोमी में तीन, नाम बताओ ट्राइस हो, यस और नो, यस। अगर ये ट्राइसोमी ना होती दोस्तों तो हर पेयर होता एक जैसा, और हर पेयर एक जैसा होता तो एन होते कि टू एन, तो हमारे पास पूरा सेट बढ़ गया है कि एक क्रोमोसोम, और इसीलिए हम इसे लिखेंगे 2n+1, एंड दिस 2n+ इज नोन एज ट्राइसोमी, दिस इज नोन एज ट्राइसोमी। Why it happens? क्योंकि non disjunction of chromosome की वजह पर एक sperm के साथ दो chromosome चले गए और एक normal ova के साथ fuse हो गए, तो बाकी सारी जगह pair बना और एक जगह तीन आ गए, और जहां तीन आ गए उस जगह पर trisomy। तो trisomy होना मतलब हर set में, पूरे set में एक pair में तीन होना। अच्छा जरा अब इसको इसके साथ fuse करके दिखाओ,
नाउ दिस इज गोइंग टू फ्यूज विद दिस, चलो बताओ क्या हुआ होगा, बता पाओगे? सर कुछ नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ। बोलो पहला पेयर पेयर हुआ, दूसरा पेयर हुआ, तीसरा भी पेयर हुआ, चौथे में एक आया और चौथे में पांचवे में पेयर हुआ। बताइए ये डाइसोमी की ट्राइसोमी, ये और ये वाला मोनोसोमी, तो ये 2n-1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 2n-1, एंड दिस इज नोन एज मोनोसोमी। तो सोमी का मतलब पूरा सेट होना कि बेटा एक पेयर, हाँ एक पेयर, तो एक पेयर में दो लोग डाइसोमी, एक पेयर में एक लोग, एक पेयर में तीन लोग, एक पेयर में चार लोग, हाँ टेट्रासोमी। तो मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं और आप इन लिखी हुई चीजों को ध्यान दें, अगर आप ध्यान दे गए तो आपको आ गया। चलिए इन सारी चीजों को ध्यान दीजिए, बताइए 2n+1 क्या ये ट्राइसोमी है? बताइए 2n+1+1 ये ट्राइसोमी एक जगह है कि दो जगह? दो जगह। इट इज डबल ट्राइसोमी। प्लस वन को मैंने टू क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि एक पेयर में कि अलग अलग? अलग अलग। अच्छा बताओ 2n-1 इसका मतलब एक बचा हुआ है उसमें से, बाकी नहीं है यार, ये सर नो। अच्छा बताओ 2n-1-1 डबल मोनोसोमी, यानी दो जगह पर एक एक क्रोमोसोम बचा है, एक क्रोमोसोम बचना पेयर में, इट इज मोनोसोमी। और अब जो मैं लिख रहा हूं बता दिया तो मजा आ जाएगा, 2n+2 एक जगह पर दो बढ़ गए, तो दो पहले से दो बढ़ गए, टोटल चार, इट इज नोन एज टेट्रासोमी। और सर 2n-2 इसका मतलब एक जगह से दोनों गायब हो गए, गायब होना मतलब नल, नल मतलब जीरो, एंड इट इज नोन एज नलीसोमी। इट इज नोन एज नलीसोमी। सो सोमिक कंडीशन आर ऑफ सो मैनी टाइप्स, और इन सो मैनी टाइप्स ऑफ सोमिक कंडीशन को मैंने आपके सामने पढ़ाया। पला 2n+1 ट्राइसोमी, 2n+1+1 डबल ट्राइसोमी, 2n-1 मोनोसोमी, 2n-1-1 डबल मोनोसोमी, 2n-2 नलीसोमी, एंड 2n+2 टेट्रासोमी। और वो चीज जो तुम चाहते मैं वो नहीं बोलूंगा, इसलिए तुम हमारे बोलने पर ध्यान दो। 2n-1-1 2n+1+1 2n-2 का मतलब है एक पोजीशन के दोनों क्रोमोसोम रहेगी गायब, गायब दोनों गायब, 2n-2। तो वन पोजीशन इज नोन एज 2n-2। अब हटा रहा हूं मैं इसे, हटा दें। अब इन बेटा कंडीशन से जुड़ी हुई कंडीशन, पहली कंडीशन पटाउस सिंड्रोम, इट इज नोन एज पटाउस सिंड्रोम। और जब मैं ये लिखता हूं तो लिखता हूं इट इज 2n+1। अच्छा बताओ 2n+1 इज ट्राइसोमी, लेकिन अभी भी आपको नहीं मालूम कि ये ट्राइसोमी हुई कहां है, इसलिए आपको इस प्लस वन के आगे लगाना पड़ेगा 13th क्रोमोसोम। 13वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी कहलाती है पटाउस सिंड्रोम। और इसमें जब बच्चा पैदा होता है तो सर की जो क्रेनियम होती है वो रप्चर हो सकती है, क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, तालू कटा हो सकता है, जीभ कटी हो सकती है, दीज आर नोन एज पटाउस सिंड्रोम। मर जाते हैं बच्चे बहुत जल्दी, एनेंसेफेली बोलते हैं कई बार, ब्रेन ही नहीं होता या फिर हेड ही नहीं होता, पटाउस सिंड्रोम, या फिर पैदा होते तो ब्रेन बहुत कम डेवलप होता और ब्रेन बॉक्स नहीं होता। अभी मैं फिर से 2n+ लिखने जा रहा हूं, लेकिन इस बार लिख रहा हूं एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। और एडवर्ड सिंड्रोम लिखते वक्त मैं फिर से 2n+1 लिख रहा हूं। 2n+1 लिखना सफिशियंट नहीं है, क्योंकि केवल ये बताता है कि एक पेयर में एक क्रोमोसोम बढ़ा है, ये बिल्कुल नहीं बताता कि वो पेयर कौन सा है, इसलिए हमें वो पोजीशन बतानी पड़ेगी। 18वां क्रोमोसोम, 18वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, इट इज नोन एज एडवर्ड सिंड्रोम। अब बताओ पहला क्रोमोसोम दो होंगे कि तीन? दूसरा, तीसरा,
तीन, चौथा 18वां 3, 19वां 2, बाकी सब 18वां 3, और यहां पर 13वां 3। अब आओ डाउन सिंड्रोम, इट इज इन योर कोर्स, जो मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं ये आपके कोर्स में डाउन सिंड्रोम। फिर से मैं 2n+1 ही लिखूंगा। आप कहोगे सब 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 2n+1 है तो अलग कैसे हैं? अलग है इनकी पोजीशन में, इट इज 21st क्रोमोसोम 21, यानी बाकी क्रोमोसोम एक जैसे हैं और 21वां क्रोमोसोम इसमें ट्राइसोमी हो गया। नाउ द क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, and this Klinefelter syndrome, it is again 2n plus 1, पर अब की बार मैं बोलूंगा इट इज 23rd क्रोमोजोम, 23वां क्रोमोजोम है जिसकी ट्राइसोमी है, और 23वां क्रोमोजोम क्या होता है? सेक्स क्रोमोजोम, एंड इट रिप्रेजेंट लाइक दिस, ऐसे रिप्रेजेंट होगा एक्स एक्स वाई, एंड दिस इज क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। तो बताओ यहां पर 2x और 1y है, इसका मतलब 3 क्रोमोसोम है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्राइसोमी। और एक और आपके कोर्स में है, आपको आना चाहिए, एंड दिस इज नोन एज टर्नर सिंड्रोम। और आप बताओ ये कंडीशन मैंने क्या लिखी, 2n-1, यस इट इज मोनोसोमी, और वो भी मोनोसोमी में भी पोजीशन बताना बाकी है, 23rd 23वें क्रोमोसोम की मोनोसोमी है, इसलिए हर बार प्लस वन लिखने के बाद आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी, एंड इट इज XO, यानी एक क्रोमोसोम है दूसरा नहीं है, सी इज फीमेल बट स्टराइल, ये फीमेल है लेकिन स्टराइल है। बताइए यही ग्रॉस ओवर होता तो क्या होता, मेल होता, एक्स ओ होना इज मेल फॉर ग्रॉस ओवर, लेकिन ह्यूमन के लिए एक्स ओ होना फीमेल है, और वो भी एक सिंड्रोम है, सिंड्रोम का नाम टर्नर सिंड्रोम। तो इन्हें आप हल्के में मत लीजिए, किसी भी तरीके से कोई भी बात इसे हल्के में मत लीजिए। 13वें क्रोमोसोम पटाउस सिंड्रोम, 18वें एडवर्ड, 21वें अच्छा क्लाइनेफेल्टर, 23 टर्नर, 24 मुझे याद नहीं होता तो मैंने अपने जुगाड़ बनाए थे, मैं सिखा देता हूं। 18 की स्पेलिंग ई से चालू होती है, एडवर्ड की स्पेलिंग ई से चालू होती है, तो 18वां और एडवर्ड मुझे ऐसे याद रह गया। डाउन में से दो एक के नीचे आता है, यानी 2 इज डाउन टू द 1, एंड दैट्स व्हाई मुझे डाउन दिखते ही 2 और 1 साथ दिखते हैं, एंड दैट्स व्हाई 2 1, इट इज नथिंग रिलेटेड विद द डाउन। डाउन एक वैज्ञानिक का नाम है, तो ऐसे मत समझ लेना डाउन का मतलब 21 होता है, ऐसा नहीं है, मेरे याद करने का जुगाड़ है। 21वां और 23वें क्रोमोसोम के दो सिंड्रोम है, एक ट्राइसोमी और एक मोनोसोमी, वो याद ही रह जाते हैं। अभी तक जो कुछ था वो ट्राइसोमी था, अचानक बात टर्न हो गई, टर्न होकर के मोनोसोमी हो गई, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टर्नर सिंड्रोम। जब तक मैं ट्राइसोमी करता रहा कोई बात नहीं, बात टर्न हुई और क्या हो गई, मोनोसोम। तो मोनोसोमी इज टर्नर सिंड्रोम, और मुझे केवल 13वां याद करना पड़ता है और ये अपने आप याद हो जाता है, इसका नाम ही ऐसा है, इट इज नोन एज पटाउस सिंड्रोम, 13वां क्रोमोसोम, बता पाओगे? और इसमें एक क्वेश्चन और कभी BHU या किसी एग्जाम ने पूछा है, मुझे श्योर नहीं है कौन सा एग्जाम, लेकिन पूछा है, एंड दैट इज नोन एज क्राइडूचेट सिंड्रोम, क्राइडूचेट सिंड्रोम, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कैट क्राई सिंड्रोम। जब बच्चा पैदा होगा और थोड़ा बड़ा होने लगेगा तो उसके रोने की आवाज ऐसे लगेगी जैसे कहीं बिल्ली रो रही है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कैट क्राई सिंड्रोम, एंड इट इज नथिंग विद ट्राइसोमी, इट विल नेवर, इट इज नो रिलेशन विद द ट्राइसोमी, इट इज रिलेटेड विद द डिलीशन, ये डिलीशन से रिलेटेड है। बताइए डिलीशन नंबर में चेंज होता है कि स्ट्रक्चर में? स्ट्रक्चर में, एंड द डिलीशन ऑफ 5th क्रोमोसोम, 5वें क्रोमोसोम का डिलीशन हो जाता है और उसकी वजह से आपको एक सिंड्रोम पैदा होता है, नाम बताओ, क्राइडूचेट सिंड्रोम या फिर कैट क्राई सिंड्रोम, एंड इट इज ड्यू टू डिलीशन। अब चलो जितने सिंड्रोम है इनके नाम मुझे बताओ,
पांच से चालू करते हैं, 5, 13, 18, 21, 23 एक साथ से इंक्रीजिंग ऑर्डर, 5, 13, 18, 21, 23 बता दोगे? देखते हैं बताते हो। चलो पांचवें से, ट्राइडू कैट सिंड्रोम है, ट्राइडू चैट सिंड्रोम है, बताइए ट्राइसोमी मोनोसोमी की डिलीशन, डिलीशन डिलीशन ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम, तेरहवें क्रोमोसोम में आए, बोलो क्या ये पटाउ सिंड्रोम है? तेरहवें क्रोमोसोम की मोनोसोमी डाइसोमी ट्राइसोमी, ट्राइसोमी पटाउस हो गया। अठारहवें में आए, बोलो एडवर्ड, एडवर्ड सिंड्रोम है, मतलब मोनोसोमी की ट्राइसोमी, ट्राइसोमी। इक्कीसवें में आए, ट्राइसोमी हुई, बोलो डाउन सिंड्रोम। तेईसवें में आए, दो हैं, एक कौन, मोनोसोमी और एक ट्राइसोमी, ट्राइसोमी क्लाइनर ट्रेलर सिंड्रोम और मोनोसोमी, हाँ ट्राइसोमी। सो दिस वॉज द टोटल म्यूटेशन। तुम में से कितने लोग हैं जो इन म्यूटेशन को 2 मिनट में रिवाइज करके मेरे पास दे पाएंगे, देखता हूं मैं। चलो बताओ म्यूटेशन कितने प्रकार के, दो दिख रहा है, एक क्रोमोसोम, जीन, जीन से निपट ले, कितने, दो, एक और प्राइम फ्रेम से, हो गया। जीन की डेफिनेशन याद है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस अपॉन डीएनए। क्रोमोसोम म्यूटेशन में आए, दो प्रकार का है, एक और स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर कितने प्रकार के, चार, डिलीशन एडिशन डुप्लीकेशन एंड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। फिलाडेल्फिया याद है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है, yes, आगे आओ, नंबर, नंबर कितने प्रकार का, दो, यूप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी का नाम पॉलीप्लॉइडी, याद है, यूप्लॉइडी में सेट चेंज होगा कि पेयर सेट, एन टू एन थ्री एन फोर एन होना, इट इज यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में क्या हो जाएगा और क्या नहीं होगा, टीलोफेज होगा और साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, पक्का, फिर आए एन्यूप्लॉइडी, बोलो एन्यूप्लॉइडी। यहाँ पर सेट है कि पेयर, पेयर, पेयर में तीन तो ट्राइसोमी, दो तो डाइसोमी, एक तो मोनोसोमी, जीरो तो नॉलीसोमी, चार तो टेट्रास। ज्यादातर सिंड्रोम ट्राइसोमी के, किसके हैं, ट्राइसोमी, एक बेटा मोनोसोमी का, एक डिलीशन का, डिलीशन वाला ट्राइडू कैट, पांचवा है ट्राइसोमी के, पांच याद है, चार बोलो, 13 पटाउस 18 एडवर्ड 21 डार 23 क्लाइंट फिल्टर, और मोनोसोमी का एक, इट इज नोन एज टंडन सिंड्रोम। नाउ द मेंडेलियन डिसऑर्डर, सीट लाओ, चलो भाई सीट पढ़ लो। सीट मिली कैसे नहीं, तुम रही थी कहाँ, ओके बेटा इसे ऑफ कर दो।